तो पहला क्वेश्चन ये है कि ऑन 11 जुलाई 2022 प्लम लिमिटेड चेंज इट्स बिजनेस एक्टिविटी बाय अल्टरिंग इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ऑन 1 अगस्त 2022 पीएल हैड मेड अ पिटीशन टू द कमीशन फॉर द कंफर्मेशन ऑफ अल्टरेशन। तो कमीशन की जो है वो कंफर्मेशन के लिए भी अप्लाई कर दिया। ऑन 26 अगस्त 2022 द कमीशन कन्फर्म द अल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एंड ऑन 31 अगस्त 2022 PL received the copy of order confirming the alteration. Identify the last date on which PL shall file the altered copy of its memorandum of association with the registrar. तो law की जो इसमें requirement है वो ये है कि जहाँ पे भी principal line of business change हो रही हो, जैसे यहाँ पर हो रही है, तो ऐसी situation में 30 days के अंदर registrar के पास memorandum of association की amended memorandum की जो है copy जमा करवानी है। अच्छा, अब ये जो 30 डेज हैं, ये 30 डेज हैं फ्रॉम द डेट ऑफ कन्फर्मेशन। तो फ्रॉम द डेट ऑफ कन्फर्मेशन में जो है वो यहाँ पे क्वेश्चन ट्रिकी है कि 26 अगस्त को जो है वो हमें रिसीव कन्फर्मेशन है मिली है, लेकिन उसकी जो रिसीट हुई है हमें वो 31 अगस्त को हुई है। तो हमें जो फोकस करना है वो करना है 26 अगस्त को। फिर इसमें जो लॉ में वर्ड है वो है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कन्फर्मेशन, तो 26 अगस्त को भी हम इसके अंदर काउंट करेंगे। तो अगर हम काउंट करते हैं अगस्त के डेज, तो 26 को इंक्लूड कर कर हम बात करेंगे तो अगस्त के 26, 27, 28, 29, 30, 31 सिक्स डेज बनेंगे, और सितंबर के 24। तो 30 डेज का टाइम है, इस हिसाब से 24 सितंबर की डेट हमें सेलेक्ट करनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा।